जिला ऊना में इस बार हरोली विधानसभा के तहत हरोली जिला परिषद सीट काफी अहम मानी जा रही है। ये सीट ओपन है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल हर हाल में करना चाहती है, इसलिए इस सीट से उन्होंने एक ओबीसी महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने इस बार शशि बाला को चुनाव मैदान में उतारा है। शशि बाला इसमें कांगड़ गांव की प्रधान है, इसमें वह चुनाव मैदान में उतर आई है। शशि ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। शशि घर घर जाकर लोगों को वोट दिए जाने की अपील कर रही हैं। शशि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह हरोली जिला परिषद सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जिसका उन्होंने आभार भी जताया है। शशि की माने तो वे विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए विकास को लेकर वे जीत का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सीट पर कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। देखिए, मैं गांव कांगड़ की जो मौजूदा प्रधान हूं, 15 साल हमने जो गांव कांगड़ में लगातार कार्य किया है, लोगों की सेवा की है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है मुकेश भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। उन्होंने जो है मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसमें हम पूरी तरह सफल होंगे, क्योंकि हम गांव-गांव जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है और हमारी जीत निश्चित है और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है लोगों के ऊपर कि वो हमें बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जो हमें विजय बनाएंगे। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आप उतरी हैं? गांव और गरीब की सेवा जो है हमारा मेन मुद्दा है, जैसे कि हमने गांव कांगड़ में भी यही इसी मुद्दे पे जो हमने कार्य किए हैं, जो हमने दूसरी पार्टी को आपको पता है कितना वो उन्होंने विकास कराया है, विकास के नाम पे उनका कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा यही है, गांव और गरीब की सेवा करना, जो मुकेश भाई के आशीर्वाद से जो हम ये एजेंडा जो है पूरी तरह सफल करेंगे। लोगों का आशीर्वाद जो है हमें पूरी तरह से मिल रहा है मुकेश भाई के आशीर्वाद से। हमारे पास बहुत अच्छे जान नेता है, क्योंकि उन्होंने हर गांव में जो गांव और गरीब की जो सेवा है वो करवाई है और उनके आशीर्वाद से ही हमें भारी बहुमत मिल रहा है। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो है हम पूरी तरह से जीतेंगे, जीत हमारी निश्चित है। देखिए, हमें मैंने आपको पहले कहा है, हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुकाबला हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है, इसलिए जीत हमारी निश्चित है।